के पानामा नहीं तो खमहार के पानामा लोंदी ला लपेट थे गाय ला खवा थे। आप सब जन दिखे हवाओ लीम के डारा ला आज खोचे गए हवाए। वह खाली स्वच्छता के उद्देश्य से नो है, हरियाली के भर उद्देश्य से नो है, ओकर पीछे बहुत बड़े कारण हैं। बरसात के मौसम में जीवाणु रोगाणु किसिम किसिम के रोग हो जाते जेकर से लीम के पेड़ है लीम के डगाली है रक्षा करते। हरेली के दिन हमारे लोहार भाई मन पहली जमाना में चौखट में खिल्ला ठोकाए तकत को जन कथे अंधविश्वास है। ओहर अंधविश्वास नो है, ओहर विज्ञान है। जब बिजली चमक थे और बिजली गिर थे तब लोहा हर ओलापन कोती खींच लेते। नान नान आपो मन रहे हो दाई दीदी महतारी मन सियान मन कहें पानी गिरायता चिमटा ल फेंक दे हथौड़ी ल फेंक दे अंगना में फेंके बर कहें। ता हमर कोनो तीज त्योहार के परंपरा जोन रिवाज है तेहर अंधविश्वास नो है, कोनो न कोनो रूप में विज्ञान से वो हर जुड़े हावे। और हरेली तिहार है यहू संदेशा देते प्रकृति से जुड़े तिहार है, प्रकृति हर संदेशा देते कि भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख लगे तो खाना प्रकृति है, बिना भूख लगे खाना विकृति है, और खुद भूखे रहकर किसी दूसरे का पेट भर देना प्रकृति और संस्कृति। छत्तीसगढ़ की भारतवासियों की संस्कृति है। जी हाँ, हमर प्रकृति सिखाते नदिया अपन पानी ल नी पिया, पेड़ अपन फल ल नी खाए। ये सब संदेशा आज हमला हरेली तिहार में मिलत हावय। बहुत सुंदर हमर छत्तीसगढ़ के परंपरा है, जतका भी तीज त्योहार है तेमन नृत्य गीत के समावेश अवश्य रही थे। अब कीर्तन करथन जैसे सावन के महीना में सौनाही रामायण के भी प्रथा हवय, बहुत जने ला नहीं जाना थे सौनाही रामायण होते, ता आज ओकरो झलकी एमेर आप ल देखे बर मिलही। हमर मुख्य अतिथि मन के आशीष वचन के उपरांत आप ल कर्मा नृत्य राउत नाचा गेड़ी नृत्य और जय मां दंतेश्वरी महिला मानस मंडल के तरफ से सौनाही रामायण के प्रस्तुति तको देखे बर मिलही। हमर मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी और उखर संग मा उखर जीवन साथी विधि विधान के साथ कौशल्या साय जी अपन पूरा श्रद्धा के साथ पूजा अर्चन करे के बाद हमर पशुधन मल्ला गौ पूजा के बाद
अब धीरे धीरे मंच को तियाही, मैं फिर आग्रह करत हूं, ये लेफ्ट साइड में मंच के लेफ्ट साइड में जोन खड़े हवाए, जब वो मनाही तब भगदड़ मच जही अनावश्यक। अभी ये आप ला प्रदर्शनी देखे के पूरा मौका थोड़ा कन देर बाद अच्छी तरह से मिल जाही। फिलहाल मैं विनती करत हूं मंच के सामने जोन सीट निर्धारित है तेमा आप अपन स्थान ला ग्रहण कराओ। मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं, कृपया आप अपने स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे अतिथि गण प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करने अब वहां पूजा स्थल से रवाना होंगे, कृपया प्रदर्शनी स्थल को खाली करने का आग्रह है। छत्तीसगढ़ी उत्सव मनाया जाता है, ऐसे में पारंपरिक वेशभूषा में सिंहम साय नजर आए। आपको बताते चलें कि किसान अपने कृषि संबंधित उपकरणों के इस त्योहार के दौरान पूजा पाठ करते हैं और पशुधन की भी पूजा करते हुए नजर आते हैं। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या यानी कि हरेली त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसे में हरेली के दिन प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी खास तौर पर बनाया जाता है, इस पर्व को मनाते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बांस से बनी गेड़ी चढ़ने की भी कोशिश की जाती है, इसकी प्रथा होती है, परंपरा है और इस तरह के कई कारण हैं जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार खास माना जाता है। सीएम साय को आप देख रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दिए, पूजा पाठ हुई और इस दौरान अन्य साथी भी इस त्योहार का हिस्सा बनते हुए नजर आए। सीएम हाउस में इस पारंपरिक त्योहार का आयोजन किया गया है। इसको लेकर हरियाली अमावस्या का ये त्यौहार होता है, बल्कि इसको कहते हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि और अन्य राज्यों में भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए खास ज़्यादा होता है जहाँ पर ज़्यादा धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम और पूर्व सीएम रमन सिंह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हरियाली अमावस्या श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र है, ऐसे में इस त्योहार का महत्व यहाँ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सावन का महीना रिमझिम त्योहारों के बीच प्रकृति में हरियाली ही नजर आती है। किसानों का प्रदेश होने के कारण लोग इस हरितिमा को उत्सव के रूप में मनाते नजर आते हैं और इसी वजह से ये अपने आप में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक खास त्योहार हो जाता है। और हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री निवास पर इस त्योहार का आयोजन किया गया। इस त्योहार को देखते हुए सीएम आवास को परंपरागत रंगों से सजाया गया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीएम साय और कई मंत्री मौजूद हैं। और विधिवत पूजा के उपरांत अब हमर अतिथि मन कृषि उपकरण के प्रदर्शनी के अवलोकन कर ही पारंपरिक झूला, सावन में झूला ना हो तो वो सावन तो सूखा रही थे। दाई दीदी बहिनी मन बर आमा के रुख मा, बर पीपर के लीम के पेड़ मा झूला
बांधे जाते और मेला ठेला के रिवाज घलो सावन के महीना मा शिव मंदिर के आगू मा लगाए जाते। तेमा रहचुली आप मन देखे है ये पीछे कोती बहुत सुंदर पारंपरिक रहचुली भी लगाए गए है। तो हमार अतिथि मन झूला के रहचुली के आनंद लीही। देख सकते हैं इस त्यौहार में हिस्सा बनने के लिए जहाँ पर पारंपरिक तौर पर आयोजन किया जा रहा है सीएम साय यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। इनके साथ ही साथ पूर्व सीएम रमन सिंह भी यहाँ पर दिखाई दिए और तमाम मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह हरेली पर्व मनाया जाता है। उपकरण उम्र में देखें